दोस्तों, पीपीएफ के रूल बदल दिए गए हैं 1 अक्टूबर 2024 से। तो क्या माइनर के नाम से पीपीएफ ओपन किया जा सकता है? एनआरआई के लिए पीपीएफ के रूल क्या होंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, यदि आपने माइनर के नाम से पीपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो अब उसके ऊपर सिर्फ पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ही आपको मिलेगा और ये एलिजिबल तभी बनेगा पीपीएफ अकाउंट के अंतर्गत जब माइनर की एज 18 ईयर से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके ऊपर उसके बाद ही आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट मिलेगा और जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो भी कैलकुलेट किया जाएगा जब माइनर अडल्ट बन जाएगा, क्योंकि वो उसी वक्त एलिजिबल था पीपीएफ अकाउंट को ओपन करने के लिए। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन किए हुए हैं तो उस केस में उनके अकाउंट को मर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होगी कि वो दो पीपीएफ अकाउंट में से किसी एक को चूज़ कर सकता है जिससे कि वो प्राइमरी अकाउंट रखना चाहता है। तो यदि उसका डिपॉजिट विद इन सीलिंग लिमिट है हर साल, जैसे कि आप 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप किसी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। और जो सेकेंड अकाउंट होगा उसे प्राइमरी अकाउंट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट आपका एक्सेस पड़ा होगा सेकेंडरी अकाउंट में, उसे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो प्राइमरी अकाउंट पे आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके अलावा आपके कोई भी पीपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ किसी बैंक में, तो जब से आपने ओपन किया है तब से लेके आज तक का कोई आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा उसके ऊपर। दोस्तों, यदि किसी एनआरए के द्वारा पीपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उस केस में उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ही दिया जाएगा। यदि वो इंडियन सिटीजन था और उसके बाद वो एनआरआई बन गया है, ये 30 सितंबर 2024 तक दिया जाएगा और उसके बाद इस अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और बैंक्स को गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो अकाउंट होल्डर का पैन और आधार नंबर लें या फिर लीगल गार्डियन का और इसे सिस्टम में फीड करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इन रूल की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।